पॉडकास्ट है स्टडी स्टडी कास्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आज का जो है करंट अफेयर 31 मई 2019 समय की करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी भाषा हिंदी भाषा में, प्रश्न नंबर एक, भारतीय मूल के सुरेश कुमार को किस ई कॉमर्स कंपनी ने CTO नियुक्त किया है? कै अमेजन, खै स्पेंडिल, गे वॉलमार्ट, घै शॉपक्यूलस। सही उत्तर है वॉलमार्ट। भारतीय मूल के सुरेश कुमार को वॉलमार्ट ने एक नई चीफ टेक्नोलॉजी अफसर CTO संयुक्त रूप किया है। वॉलमार्ट ने CEO की डग मैकेनिकल की रिपोर्ट करेंगे और मैं अभी गूगल में वाइस प्रेसिडेंट एवं जनरल मैनेजर डिस्प्ले वीडियो ऐप एड एनालिटिक्स की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। प्रश्न नंबर दो, भारत का कौन सा शहर IT कंपनी के लिए विश्व के 5वें पसंदीदा शहरों में शामिल है? क्या हैदराबाद, है मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, उत्तर दे उत्तर सही उत्तर है गुरुग्राम। भारत का गुरुग्राम शहर आईटी कंपनियों के विश्व में 5वें पसंदीदा शहरों में शामिल है। इस 5 शहरों में ब्राज़ील, बेंगलुरु, संघाई और सिंगापुर भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा यूट्यूब चैनल 100 मिलियन सब्सक्राइब के साथ दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर चैनल बन गया है? जी एंटरटेनमेंट, टी सीरीज, स्पीड रिकॉर्ड, जेके सेक्शन। सही उत्तर है दोस्तों टी सीरीज। भारत की म्यूजिक कंपनी टी सीरीज द्वारा यूट्यूब चैनल के 100 मिलियन सब्सक्राइब के साथ दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन गया है। टी सीरीज के QDPY नाम के स्वीडन चैनल को पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन पर हासिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? क्या उत्तर प्रदेश, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या मध्य प्रदेश, क्या जापान? दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा को राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। हाल में ही केंद्र सरकार ने विमानतल के लिए एग्रीमेशन चेक पोस्ट मंजूर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाजू जनता दल के नवीन प्रमुख पटनायक हाल में ही कौन सी 2 बार ओडिशा मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली? क्या तीसरी बार, क्या चौथी बार, क्या पांचवी बार, क्या सातवीं बार? उत्तर दोस्तों 5वीं बार। बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने हाल में ही 5वीं बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल के साथ उन्हें हरनंद प्रताप सवे अरुण कुमार साहू मंत्री जी शपथ दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों अगर आपने आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा N-32 विमान जटोक्रा बायो प्लूर उपयोग करने में मंजूरी दे दी है? भारतीय जलसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, केंद्र सरकार? उत्तर है दोस्तों भारतीय वायुसेना। वायुसेना ने हाल में ही AN-32 विमान को जेट्रोफा बायो फ्यूल उपयोग करने की मंजूरी दे दी गई है। NCIR IIP प्रयोगशाला देहरादून द्वारा 2013 में पहली बार स्वदेशी बायोजेट ईंधन से उत्पादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, 30 मई को भारत का कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है? क्या अंग्रेजी पत्रिका दिवस, क्या उर्दू पत्रिका दिवस, हिंदी पत्रिका दिवस, तमिल पत्रिका दिवस? उत्तर है क्या हिंदी पत्रिका दिवस। 30 मई को भारत में हिंदी पत्रिका दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने अपने हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन संपादन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2020 के लिए किस देश को एशिया कप की मेज़बानी दी गई है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान? उत्तर है दोस्तों पाकिस्तान। वर्ष 2020 में होने वाले क्रिकेट एशिया कप मेज़बानी पाकिस्तान को दी गई है। यह टूर्नामेंट अगले वर्ष सितंबर के महीने में T20 वर्ल्ड कप को पहले खेला जाएगा और यह टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार 7 और 8 जून को किस देश की यात्रा पर जाएंगे? जापान, इराक, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया? गया दोस्तों मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार 7 और 8 जून को मालदीव की यात्रा पर जाएंगे। मालदीव और विदेश यात्रा, अब्दुल्ला शाहिद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव में सांसद और संबोधित करने का न्योता दिया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों लग रही है हमारे चैनल पर
कंटिन्यू बने रहिए नेव करंट अफेयर के लिए। धन्यवाद।